व्हाट्सअप गाइस, कुछ बातें आप लोगों से क्लियर करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो सबको, हेलो, कुछ बातें आप लोगों से अभी क्लियर करनी है। इतना रात को मैं लाइव आया हूँ, दिस इज काइंड ऑफ ऑकवर्ड, बट कुछ बातें आप लोगों से क्लियर करूँगा, सो प्लीज ज्वाइन। सॉरी अरे यार सर्दी हो गई है। हेलो सबको, हेलो, सो प्लीज ज्वाइन एंड मैं भी सब कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा। जल्दी ज्वाइन करो, 25 पीपल वॉचिंग। ओके सो गाइज, अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ बहुत ऐसे लोग हैं इन कोलकाता, बहुत सारे हैं, सिर्फ एक या दो का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम से बहुत सारे लोगों का पैसा उठा रहे हैं। मतलब कोई भी पार्टी हो, कोई भी इवेंट हो, दे आर टेकिंग माई नेम इनलीगली एंड मैं सबको सबके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कंटेंट क्रिएट करना है और टाइम पे डिलीवर भी करना है, तो उतना मुझे मेरा टाइम नहीं है कि मैं सबके साथ भिड़ता रहूँ। तो एक्चुअली मैं आप लोगों से यही क्लियर करना चाहूँगा, अगर कोई भी आप पोस्टर देखते हो रास्ते पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, प्लीज डोंट बिलीव। मैं जब तक कंफर्मेशन ना दूं कि आई एम कमिंग, या फिर किसी भी पार्टी या फिर किसी भी मीटअप, कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट पे मैं आ रहा हूँ, मैं जब तक अपने ऑफिशियल जगह में, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में पोस्ट ना करूँ, तब तक डोंट गो एंड डोंट वेस्ट योर मनी। ओके तो प्लीज़ ये मैं आप लोगों के साथ खराब होते हुए देख नहीं देख सकता हूँ। मेरे नाम से आप लोगों से पैसे लिए जाएंगे और मैं नहीं आऊँगा, लिटरली मैं कहीं पर भी नहीं आ रहा हूँ, दैट मैं कहीं पर भी नहीं आ रहा हूँ, तो मैं अवेयर करने के लिए। और जो भी न्यूज़ वगैरह डालते हो ना, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, मैं चाहूँगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता, फिर भी लोगों का नाम लेके लोगों से पैसा लेते हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, लास्ट में वो ही लोग नहीं जाते उधर, तो प्लीज डोंट। मैं जब तक कंफर्मेशन ना दूं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में, तो डोंट गो एनीवेयर। ओके कहीं पर भी मत जाओ। ओके डोंट वेस्ट योर मनी, कोई भी टिकट वगैरह कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है ब्रो, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कंफर्मेशन कहीं पर भी नहीं दिया कि आई एम कमिंग। ओके ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक मत जाऊं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर आप लोग जो ये कर रहे हो ना, डोंट डू दिस। ये दिस इज नॉट गुड। लोगों का पैसा लेके आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट गुड। और बहुत जगह ऐसे भी है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, बोलते कि फ्री एंट्री है, आप जाते हो और उधर आपका, वैसे भी अगर जाते हो बहुत चीजों के थ्रू आपका बहुत सारा पैसा मतलब खर्च हो जाता है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि अननेसेसरी आप कहीं पर भी जाओ और आपका कोई भी मतलब मेहनत का कमाई कहीं पर भी जाए। ओके मेहनत का कमाई कहीं पर भी, मैं ये नहीं चाहूंगा मैं कभी भी, दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू मी, और मैंने आप लोगों से ये बोलना जरूरी समझा, इसलिए मैंने अनाउंस कर दिया, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। सो गाइस प्लीज डोंट गो, कोई भी मतलब सिर्फ मैं नहीं, कोई भी पर्सनैलिटी अगर अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल जगह में नहीं बोलता है कि आई एम दे कमिंग और नॉट, तब तक मत जाओ। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो कि तुम्हारे पैसे मतलब हड़पने के लिए या फिर पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं बिना मेहनत किए, तो मैं तुम लोगों को जस्ट बता दिया हूँ, ये सब मत करो। बहुत मैंने देखा है, मैं बिग फैन, मैं पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूँ।
ओके मैंने देखा है कि बहुत सारे पोस्टर ऐसे लग रहे हैं, मैंने दो तीन मतलब सड़क पे देखा है, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ आजकल, बहुत मेरे फैन पेजेस में भी पोस्ट किया जा रहा है। तो डोंट डू दिस, दिस इज नॉट गुड, ओके, दिस इज नॉट गुड, योर मनी इज वैल्यूएबल, बहुत मेहनत से कमाते हैं पैसा, तो प्लीज वेस्ट मत करो उसको। मैं जब तक ना बोलूँ कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ या फिर आओ मुझसे मिलने, तो मेरा मिस पिक्चर देख के कहीं पर भी या फिर मेरा ये देख के मत जाओ, ओके, सो लीव। यही मेरा मेन था जो कि मैंने मतलब बता दिया, दिस इज इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने बता दिया। अभी 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 टॉक टू फैंस एंड रिस्पॉन्ड, ओके ना, मैं भी गया था। हाँ भाई, नहीं मत आओ, मत जाओ, बहुत लोग ऐसे देख रहे हो ना, बहुत लोग बोल ले कि दे गोज एंड नहीं आया, मैं नहीं आऊंगा, मैं जब तक मतलब या मैं जब तक ना बोलूँ कि आई एम कमिंग, डोंट ट्रस्ट एनी वन, ओके। मैं को अगर आना है भाई तो मैं कहीं पर भी बोल दूंगा ना कि मैं आ रहा हूँ। आप लोगों को बाहर से जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पब्लिक फिगर, आप लोग मुझे देख सकते हो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पर भी, मैं बोल दूंगा, ओके। वैसी कोई जरूरत नहीं है किसी की भी पोस्टर देख के या फिर कहीं पर भी कुछ देख के, बात सुना सुनी बात सुन के चले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। डोंट अगर मेरे को आना है तो मैं बोल दूंगा। सो गाइज, और इतने रात को मैं लाइव आके आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ, सो सॉरी, पर मुझे बोलना था, जरूरी था, तो मैंने बोल दिया। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा मतलब हुआ होगा, सिर्फ मेरा नहीं, किसी का भी, अगर अगर वो आ रहे हैं मतलब कोई भी पर्सनैलिटी आ रहा है तो वो अनाउंस करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ओके, डोंट, या फिर खुद से कोई भी वीडियो या फिर कन्फर्मेशन कुछ ना कुछ देंगे, उससे पहले मत जाओ, ओके, डोंट गो। सो नाउ लीव, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहूंगा, और इसको मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, ये जो लाइव सेशन है, तो आप लोग चाहो तो इसको डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो, डोंट वरी, कोई भी इशू नहीं है। और मेरा कोई भी मतलब मैं कोई भी अपडेट देता हूँ, कुछ भी आप लोग डाउनलोड करके रीअपलोड कर सकते हो, बस डिफेम मत करना और या फिर गलत मैनिपुलेशन मत करना, दैट्स इट, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर सकते हो मेरा वीडियोस को रीअपलोड कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी सॉरी, थोड़ा खांसी हो गया, अभी ना, अभी आप लोगों से थोड़ा बहुत बात करते हैं उसके बाद सो जाता हूँ, क्योंकि कल भी शूट है, मुझे जाना है, ओके। ओके ना, अभी मीटअप प्लीज, 1 मिलियन में मीटअप करूंगा, नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, नेक्स्ट वीडियो कल आ रही है, सिलीगुड़ी देखो, वेरी सुन वेरी सुन वेरी सुन। अच्छा तुम्हें बॉन्ग हुए हिंदी ते कहना हुआ था, बोले बिकॉज आई रिप्रेजेंट बंगाल इन फ्रंट ऑफ होल इंडिया, क्योंकि आउट ऑफ वेस्ट बंगाल हिंदी सबको समझ में नहीं आती है, और मैं ज़्यादातर मेरे कंटेंट कोलकाता के अराउंड रहते हैं और मैं बाहर भी ट्रैवल करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो दैट्स द मेन रीजन आई एम स्पीकिंग हिंदी। और रुको लगा दो, ये रही, मैनुअली ऑन करना पड़ रहा मुझे, ओके। हेयर स्टाइल खूब भालो दादा, थैंक यू सो मच। और हाँ, तो मैं, दैट्स द मेन रीजन आई स्पीक इन हिंदी, और मेरा सराउंडिंग जो है ना वो हिंदी है, मतलब हाँ, आई लिव इन मतलब बंगाल में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल का लड़का हूँ, पर मेरा जो सराउंडिंग है ना वो मैक्सिमम हिंदी है, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, और एक्चुअली मेरा बंगाली भी बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा फैमिली पूरा बंगाली है, घर पे मेरा ज्यादातर मतलब मैं बंगाली में बात करता हूँ, पर दिस इज माई कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी, तो मुझे हिंदी में ज्यादा मतलब कंफर्ट महसूस होता है, वैसे बंगाली भी मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है, यू आर सो क्यूट, थैंक यू। ओके ओके, नहीं पबजी मुझे नहीं आती है ब्रो, पबजी भाई डीएम चेक करो। एक्चुअली और एक इम्पॉर्टेंट नोट था, इम्पॉर्टेंट बात था जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं, बहुत भाई मुझे ये बोलते हैं कि आप डीएम नहीं चेक करते हो, आपका एटीट्यूड है ये वो, तो आप लोगों से मैं क्लियर करना चाहूंगा एक चीज, क्योंकि देखिए अभी मेरा क्या है ना पंगा कि मैं अकेले मतलब सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब
अकेले सब आइडिया सोचना, उसके बाद अकेले उसको एग्जीक्यूट करना, एडिटिंग भी मैं खुद ही कर रहा हूँ और अपलोडिंग मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि और साइड में मेरा बिजनेस भी है। तो दिस इज सो टफ कि यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग विद योर ओन, तो दिस इज सो टफ कि आप मतलब उसके बाद आके आप लोगों को डीएम चेक करना। लेकिन ज्यादातर मैं ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करने की जितना हो सके मुझसे जब तक मैं ऑन रहता हूँ, और बाकी मैं ऐसे आपसे मतलब डायरेक्ट लाइव आके बात करता हूँ। दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी और हैंडी, क्योंकि मैं आपसे इधर सबसे बात कर पाता हूँ, मतलब किसी अकेले स्पेसिफिक से नहीं, मतलब सबसे बात होता है इधर। दैट्स द गुड थिंग मतलब लाइव सेशन का, मतलब इंस्टाग्राम वालों को थैंक यू यार, यू आर सो डाउन टू अर्थ मैन, थैंक यू सो मच कीर्ति दीपा। हाँ, अगर मैं स्पेल ठीक ठाक नहीं कर पाऊँ तो आई एम सो सॉरी, पर मिस रॉय, डैम आई वॉच योर ऑल वीडियोज, क्रिएट कंटेंट, थैंक यू सो मच दीपा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मतलब अच्छी लगी होगी मैं ऐसे आप लोगों को आके लाइव सेशन में। और हाँ, नहीं, अभी ख़त्म नहीं करते हैं, अभी जो मुझसे बात करना चाहता है लाइव में तो यू कैन टॉक टू मी, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो, आई विल एक्सेप्ट एंड आपसे डायरेक्ट मैं वीडियो कॉल में बात करता हूँ। ओके, चलो कौन किया है देखते हैं सबसे पहले। ओके, सो लेट्स टॉक टू। ओके, दीक्षित से डिक्लाइन, अभी जो भी बात करना चाहते हैं प्लीज प्लीज। ओके, इस भाई से बात करते हैं। ओके, दो मिनट वेट करते हैं, अभी जो भी मुझसे बात करना चाहते हो प्लीज रिक्वेस्ट डालो, आई विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड डायरेक्ट लाइव में बात करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 100 वीडियो, एक्चुअली 100 वीडियो मैंने ऑफ किया हुआ है क्योंकि कुछ महीनों पहले समथिंग हैपेंड विद मी एंड दैट्स द मेन रीजन आई लेफ्ट दिस काइंड ऑफ वीडियोस। ओके ओके, अभी टच में, अरे यार इस आईफोन में क्या हो गया, इधर देखते हैं, नहीं ब्रो इधर से हो शायद मे बी। ओके, मैं वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, ओ फक, क्या ये। ओके सो गाइस, फिलहाल तो वीडियो कॉल में प्रॉब्लम हो रही है, गाइस अभी वीडियो कॉल में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्योंकि किसी से भी वीडियो कॉल में बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इतने रात को भी इतने लोग आए लाइव सेशन देख रहे, दिस इज सो ग्रेट टू मी एंड थैंक यू। और जो मुझे बोलना था लास्ट टाइम वो भी बोल देता हूँ कि मैं जब तक कंफर्मेशन ना दूँ डोंट गो एनीवेयर, बहुत लोग पोस्टर बनाते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ये चीज, तो प्लीज डोंट गो। एंड मैं बहुत जल्दी एक मीटअप रखने वाला हूँ तो उसके लिए रेडी रहना, पर अभी नहीं, मैं बताऊंगा सामने कभी, कोई भी वीडियो में बता दूंगा कब होगा, कुछ होगा मैं जरूर बताऊंगा, तो फिलहाल तो कुछ प्लानिंग है नहीं, लेकिन जब होगा फिर ही सुन होगा जो भी, एनीवे तो मैं आप लोग को बता दूंगा। फिलहाल खत्म करते हैं, मुझे सोना भी है, कल शूटिंग पे भी जाना है और वीडियो पे अपलोड करना है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो गुड नाइट एंड टेक केयर एंड बाय बाय, बी हैप्पी बी यंग फॉर अ बेटर लाइफ, खुश रहना आबाद रहना और फल फूलो, बाय एंड लव यू, बाय, खत्म ही नहीं होती है।